बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश करें थीसिस स्टेटमेंट में अननेसेसरी वर्ड्स और जार्गन्स ना यूज करें। पैसिव में नहीं जाना, एक्टिव में रहना है। जब एक ही पॉइंट हो तो सब हेडिंग देने की ज़रूरत नहीं है, और ये इसको इसी में मर्ज करें। टाइप्स, व्हाट इज डिजिटल डेमोक्रेसी एंड टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया फॉर डेमोक्रेसी। क्योंकि अगर आपको एक और चीज़, ये देखें, ये लगा हुआ है कॉलन, ये उसका सब पॉइंट है, ठीक है, ये आपका मेन एसे है। सो यू हैव टू फोकस ओनली ऑन डिजिटल डेमोक्रेसी विद कोरिलेशन टू द सोशल मीडिया, क्योंकि कॉलन है, मेन टॉपिक है डिजिटल डेमोक्रेसी, सब टॉपिक वन, ये है सब टॉपिक टू। अब देखें यहाँ पे आपको रोल ऑफ सोशल मीडिया इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, रोल ऑफ सोशल मीडिया बेटा मेन टॉपिक पे लिखते हैं, ये इसके सब पॉइंट्स हैं, मतलब ये नीचे आपने हेडिंग्स, मतलब उसकी सब हेडिंग्स ठीक लिखी हैं। कोशिश करें यहाँ पे ना सब कुछ लिखें, यू विल गेट इनफ चांस। ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी अभी। अच्छा, सेकंड पेज, केस स्टडीज वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। ये पार्ट ठीक है, लेकिन ये रिडंडेंसी है, मतलब एक ही बात आपने बार बार रिपीट की हुई है। यू हैव टू फोकस ऑन, लाइक एक सीक्वेंस नहीं है। कभी आप डिजिटल डेमोक्रेसी की बात करना शुरू कर देती हैं, कभी बेनिफिट्स और उसके ड्रॉबैक्स सोशल मीडिया की करना शुरू कर देती हैं। एक टॉपिक आपका मेन होता है, उससे कोरिलेशनल आप लिख सकते हैं। मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, मैं भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। रूल ऑफ पैरेललिज्म ये कहते हैं, जब आपने बाय वाले के साथ लिखा है तो ये भी बाय इंक्रीजिंग करके कर दें। बाकी ये ठीक है, ये भी मैं आपके साथ वो भी शेयर कर रही हूँ।